आप YouTube पर डेली शॉर्ट वीडियो डालते हो पर आपकी वीडियो पर 100 या फिर 150 व्यू आने के बाद रुक जाते हैं, पर जब आप लोगों की शॉर्ट्स वीडियो देखते हो तो उनमें मिलियन ऑफ व्यू आते हैं। और कुछ लोगों की YouTube पर कम सब्सक्राइब होने के बावजूद भी वीडियो शॉर्ट फीड में आता, पर हमारी वीडियो शॉर्ट के फीड में नहीं आता। तो आज उन शॉर्ट क्रिएटर की स्ट्रेटेजी रिवील करने वाला हूं। मैं काफी दिनों से कुछ क्रिएटर की स्ट्रेटेजी को नोट कर रहा हूं, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे YouTube शॉर्ट्स को पोस्ट करना है, वो भी ओनली व्यूअर्स के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट में मोबाइल से शूटिंग सेटिंग तथा वीडियो की एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट सेटिंग में एक सीक्रेट कंटेंट स्ट्रेटेजी और साथ ही कौन कौन से टेक और कीवर्ड्स आपको यूज लेना चाहिए। इस वीडियो में बताऊंगा कि यूट्यूबर शॉर्ट वायरल करने के लिए कैसे यूट्यूब शॉर्ट्स के थंबनेल बनाए जाते हैं। तो आपको भी यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर शॉर्ट फंड कमाना है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। शूटिंग सेटिंग, देखो कोई भी व्यूअर अपने फोन से आपके शॉर्ट तब जरूर देखेगा जब आपका वीडियो हाई क्वालिटी का हो, और एक हाई क्वालिटी वीडियो तभी होगा जब आपने वीडियो को प्रॉपर शूट किया हो और आपके पास में कोई भी फोन हो जिसमें एंड्रॉइड या आईफोन, वो मैटर नहीं करता, बस आपके वीडियो शूट करने की ये सेटिंग आपको कर लेनी है। आपको वीडियो को हाई क्वालिटी में शूट करना है, इसमें 1080p पिक्सल, 30fps या फिर 60fps जो भी आप हो उस पे शूट करना है। और अगर आपका फोन 4K सपोर्ट करता है तो शूट कर सकते हैं, तो आपको इसे 4K पर शूट करना है। मैंने खुद कुछ रील और शॉर्ट वीडियो शूट किए हैं, वो भी मैं इसी तरीके से करता हूं। पर आप रील शूट करते हैं तो आपको अपने वीडियो को 1080p 30fps पर ही शूट करना है। इसका कारण क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रील के लिए बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, पर YT शॉर्ट पर 4K में शूट करना है। मैंने शूट करने के लिए सेटिंग तो बता दी है, पर आपको वीडियो व्यूअर के अच्छा लगे इसके लिए आपको वीडियो में एंगल्स, पर्सपेक्टिव और सिनेमेटिक और क्रिएटिव शूट की टेक्निक्स का पता होना चाहिए। इसके लिए मैं डिटेल में कभी एक वीडियो लेके आऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा। इस क्लिप को देखिए जिसमें आप एक क्रिएटिव कह सकते हैं। यहां मैंने टेम्पल को सीधा रिवील ना करके एक पेड़ की पत्तियों से कैमरे को निकाल कर व्यूअर को दिखाया था कि व्यूअर को कुछ क्रिएटिव लगे और वो देखने के लिए रुक जाए कि पत्तियों के पीछे आखिरकार है क्या। अब जब आपने बहुत सी अलग अलग क्लिप को शूट कर लिया है तो बात आती है कि एडिट में वीडियो एक्सपोर्ट की सेटिंग कौन सी अपन को करनी है और वहाँ पे अपन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी वीडियो वायरल नहीं हो पाती। तो आपको इन सेटिंग को एक्सपोर्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना है, वो ये रहेगा कि रेजोल्यूशन आपको 4K fps आप 30 रख सकते हैं और बिट रेट है वो आपको 6 से 10 mbps और फॉर्मेट रहेगा वो MP4 रहेगा। आपको अब आगे की शॉर्ट इस तरीके से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। ये फॉर्मेट आप अपनी वीडियो के एडिटिंग ऐप जैसे CapCut और InShot में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट इंटरनेट, देखो फास्ट इंटरनेट का मतलब यहाँ पे फोन में एक अच्छा डाटा होना चाहिए, वरना आप एक लो डाटा पे वीडियो अपलोड करके छोड़ देते हो जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है। हैशटैग, वीडियो की शूटिंग तथा एक्सपोर्ट सेटिंग फिक्स करने के बाद में बात आती है हैशटैग की। देखो आजकल हैशटैग का इतना काम नहीं रहा, पर भी क्योंकि व्यूअर आजकल कंटेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, फिर भी आपका कंटेंट किस यूजर को दिखाना है ये डिफाइन करता है हैशटैग, ताकि यूट्यूब शॉर्ट की एल्गोरिथम उन हैशटैग की मदद से रिलेवेंट यूजर को कंटेंट दिखा पाए। हैशटैग की आपको डिस्क्रिप्शन में बात नहीं लानी है बल्कि आपको 3 से 8 हैशटैग को यूज करना है, वह भी जो आपने वीडियो में क्या दिखाया है उसे रिलेवेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ इस रील में मैंने किसी भी टेम्पल को दिखाया है तो आपको उस टेम्पल नाम तथा वहां की लोकेशन का नाम डाल सकते हैं, साथ ही हैशटैग में शॉर्ट जरूर लिखना ताकि आपकी वीडियो है वो शॉर्ट फीड में इजीली आ सके। कीवर्ड, देखो हैशटैग जितना वर्क नहीं करता उतना एक वायरल शॉर्ट के लिए कीवर्ड करते हैं। कीवर्ड किसी भी शॉर्ट में उसकी लोकेशन और उस यूनिक आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करता है, और जितना आप कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में करोगे उतना ही यूट्यूब के लिए आसान हो जाएगी कि आपकी वीडियो को फीड में लाना कैसे है। कंटिन्यू, देखो कीवर्ड और हैशटैग का फंडा समझ लिया, पर 2 से 4 शॉर्ट लगातार आपने अपलोड करके छोड़ दिया, फिर मंथ में कभी कभार एक वीडियो शॉर्ट की डाल दी, ये सारी टेक्निक उस समय फेल हो जाएगी, आपको डेली शॉर्ट अपलोड करनी होगी। आप किसी भी शॉर्ट क्रिएटर को देख लो, उसने कंटिन्यू शॉर्ट डाले हैं तब जाकर उसके आज मिलियन में व्यू आते हैं, पर आप डेली शॉर्ट अपलोड नहीं कर सकते तो आपको वीक में कम से कम 3 बार आपको शॉर्ट अपलोड करने ही होंगे। व्हाट आर अपलोडिंग, देखो आप कौन से भी शॉर्ट अपलोड करते हो ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कैमरे को शूट करने के लिए टाइम मिल जाता है तो मैं मिनी व्लॉग शूट कर सकता हूँ, पर आप अगर घर पे रहते हैं और आप मिनी व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर सकते तो इंडोर में भी आप कॉमेडी वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो और ट्रेंडिंग वीडियो जैसे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको शूट की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको प्री फुटेज लेना है और उसकी मदद से एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल, YT शॉर्ट पर थंबनेल आप YouTube ऐप की मदद से ही लगा सकते, जैसे कि आप इंस्टा रील में लगाते हैं, तो अब आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए YouTube ऐप की मदद से ही अपलोड करनी होगी और इस तरह आप वीडियो पे बेस्ट पार्ट के थंबनेल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अपलोडिंग टाइम, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको खुद को अपना एक टाइम सेट कर लेना है कि किस समय आपको वीडियो अपलोड करना है, फिर जैसे ही आपकी वीडियोस बढ़ जाते हैं फिर आप YT स्टूडियो में जाके उसके सेटिंग में एनालिटिक में जाके इस ग्राफ में जहां जहां पे आपको डार्क दिखाई दे रहा है वो आपके व्यूअर का एक्टिव टाइम है और आप आगे की वीडियो इस टाइम में अपलोड करेंगे।
अपलोडिंग सेटिंग। देखो सिंपल वीडियो आपको एक्सपोर्ट करने के बाद में यूट्यूब ऐप में आना और यहाँ पे आप अपलोड वीडियो कर देना और यहाँ पे कैप्शन डाल देना। कैप्शन वगैरह डालने के बाद में आपको विजिबिलिटी को अनलिस्टेड कर देना जब तक कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैशटैग कीवर्ड वगैरह नहीं लिख दे। इसके बाद में आप पब्लिक कर देंगे और टाइम को शेड्यूल कर देंगे कि आपको टाइमिंग किस प्रकार से सेट की गई। अब आपको आगे की वीडियो भी इसी तरह से अपलोड करना है और आपने ये वीडियो पूरा देखा है और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और आगे भी आपको हेल्प चाहिए यूट्यूब शॉर्ट से रिलेटिव तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।